हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस सेशन में हम लोग क्लास 10 मैथ के चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। इस सवाल में एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। इस पॉलीनोमियल के 3 जीरोज भी दिए हुए हैं। ये जीरोज हैं a माइनस बी ए और a प्लस बी। हमें a और b का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन पॉलीनोमियल और उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे गिवन जीरोज। और जो जीरोज हमारे दिए हुए हैं उसको हम लोग लिख लेंगे ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो हमारे पॉलीनोमियल में जो वैल्यू दिए हुए हैं उसको ए बी सी डी करके हम लोग लिखेंगे। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू भी 1। चूंकि इस क्वेश्चन में पहले से ही ए और बी दिए हुए हैं, इसलिए पॉलीनोमियल के ए बी सी और डी को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इससे हमें दिक्कत नहीं होगी और आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला है माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अब नीचे से सम ऑफ जीरोज जो हमारा है वो लिखेंगे। तो हमारे जीरोज हैं ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। हम लोग उसी को लिख लेते हैं ए माइनस बी प्लस ए और फिर ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू है हमारा माइनस 3 और ए का वैल्यू है 1। माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, ए ए और ए तीनों को ऐड कर देंगे 3a इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 3। नीचे का जो 1 है वो हाइड हो जाएगा और a इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, इसलिए a इक्वल टू 1। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पेयर, इसका फॉर्मूला होता है c/a लिखेंगे। नीचे से जो हमारे जीरोज दिए हुए हम लोग उसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी का वैल्यू है हमारा 1 और ए का भी वैल्यू है 1। ए माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके बाद हम लोग माइनस ए बी और प्लस ए बी को कैंसिल करेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए का वैल्यू है हमारा निकला हुआ है 1, 3 इंटू 1 के ऊपर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लोगों ने ए का वैल्यू पुट कर दिया जो कैलकुलेट किया था। अब उसके बाद 3 1 के ऊपर स्क्वायर होगा तो 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3 माइनस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर
और बी स्क्वायर इक्वल टू टू और बी इक्वल टू स्क्वायर उड़ाएंगे तो टू के ऊपर रूट आ जाएगा और उसके आगे में प्लस माइनस। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा ए का वैल्यू वन और बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट टू। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू प्लस माइनस रूट टू। इस सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री को बनाया, अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर फोर को बनाएंगे। तब तक जमकर स्टडी कीजिए, टेक केयर एंड गुड बाई।